और इसी फाउंडेशन में पूरा अभ्यास दर्शन जो है वो आगे जाके व्याख्यायित होगा। तो अभ्यास दर्शन को मैंने जो जैसा भी समझा है तो उसमें मुझे ऐसा समझ में आता है कि मानव के जीने के जो चार आयाम हैं, जिसको हम लोग अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय कहते हैं, और जो मानव की पांच स्थितियां हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, तो इन पांच स्थितियों में जो आचरण है उसकी सामरस्यता को और संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की एक सूत्रता को और जागृति की अक्षुण्यता को अभिव्यक्त करता है ये जो अभ्यास दर्शन है। और इसका जो प्रयोजन है वो अखंड समाज में सामाजिकता और उसकी निरंतरता की व्याख्या है। इस तरीके से मुझे समझ में आता है अखंड समाज के आचरण के लिए जो जरूरी नीति त्रय है, नियम त्रय है, कार्यक्रम त्रय है ना, विधि त्रय है, अभ्यास त्रय है, इसको इस पूरे अभ्यास दर्शन में स्पष्ट किया गया है। इस पे हम लोग धीरे धीरे क्रमशः इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इसका जो अध्ययन है, अभ्यास दर्शन का जो अध्ययन है और जिसमें जो अभ्यास को प्रस्तावित किया गया है, जैसे अभ्यास को प्रस्तावित किया गया है चिंतनाभ्यास, विचाराभ्यास के रूप में और व्यवहाराभ्यास, कर्माभ्यास के रूप में है ना, अभ्यास को प्रस्तावित किया है। अध्ययन करने में तो ऐसा समझ में आता है कि ये जो अध्ययन और अभ्यास है, वस्तुतः तो ये जागृत मानव परंपरा में ही है, लेकिन जब तक हम जागृत नहीं हुए हैं तब तक भी ये जागृति के अर्थ में निष्कान्वित करने में या जागृति के अर्थ में मानसिकता निर्माण करने के अर्थ में ये बहुत उपयोगी है। इसीलिए यदि इसमें जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं, तर्क हैं, है ना, जो भी व्याख्याएं हैं, जो भी इसकी भाषा है, यदि उसका अनुसरण करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं और साथ साथ ही मानव जाति में जो अखंडता है, जिसको हम लोग अखंड समाज कह रहे हैं, वो सार्वभौम व्यवस्था है ना, वह हमको स्पष्ट होती है। और इसी के यानी अभ्यास दर्शन के साथ जो भी अध्ययन और अभ्यास पूर्वक ही मानव जाति जो है अपनी चिराकांक्षा के रूप में जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने की है उसको पूरा कर सकती है और साथ ही जनाकांक्षा, जीवनाकांक्षा को भी सफल बना सकती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रारंभ के जो 10 अध्याय हैं वो इसके फाउंडेशन को यानी आधार को स्पष्ट करते हैं, जो शेष अध्याय हैं उसमें इससे संबंधित जो है मुद्दे हैं उनकी स्पष्टता की गई है, व्याख्या के अर्थ में समझ में आते हैं। तो मैं अभी तक जो हम लोगों ने 7 अध्याय पढ़े हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान जो है दिलाना चाहता हूँ। इससे आप जो पिछला अभ्यास दर्शन का जो भी अध्ययन हुआ है ना, उसको एक बार रिविजिट कर पाएंगे, अपने में उसका स्पष्ट चित्रण कर पाएंगे। इस अर्थ में मैंने कुछ बिंदु निकाले हैं, इन बिंदुओं को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे अध्याय 1 है जिसमें मानव के अभ्योधार्थ अभ्यास की अनिवार्यता, तो इसमें अभ्यास को बाबा जी ने परिभाषित किया है और इसमें ये लिखा है कि अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है। तो यहाँ पे अनुमान से मतलब क्या है, ये प्रश्न आता है। तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि बाबा जी ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के रूप में जो है संपूर्ण क्रियाकलाप को स्पष्ट किया है। तो जो भी अनुभव में प्रत्यक्ष हुआ, जिसको हम कह रहे हैं अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में अनुभव में प्रत्यक्ष हुआ, उसके आधार पे जो अनुमान क्षमता है ना, तो अनुमान क्षमता क्या है कि जो भी अनुभव हुआ उसको जागृति के अर्थ में प्रमाणित करने के लिए जो भी आचरण है, व्यवस्था है, उसका अनुमान हुआ, तो अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, ऐसा जो है एक सेंटेंस आया है। फिर आगे लिखा है अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है। तो जो भी अनुभव हो गया, इसी में अभ्यास दर्शन में भी एक जगह पर ऐसा आया हुआ है कि अनुभव कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, बड़ी बात है अनुभव को प्रमाणित करना। तो जो अनुभव से अधिक उदय है, अनुभव से अधिक उदय क्या है, जो आचरण में आता है, जो
जो व्यवहार में आता है, जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक सूत्रित करता है ना, सूत्रित होता है, तो यही निरंतर अभ्यास सूत्र है ना। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अभ्यास को समझ सकते हैं। इसके बाद बाबा जी ने ही कहा कि व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता एवं अनुभव ही आनंद है। तो ये जो अनुभव जो अस्तित्व से अस्तित्व के रूप में बाबा जी को अनुभव हुआ, उस अनुभव को, उस अनुभव की जो व्यंजनीयता है, वही व्यंजनीयता जो है ये दर्शन वा शास्त्र और संविधान के रूप में जो है व्यक्त हुई है। तो इसलिए व्यंजनीयता दर्शन क्षमता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो जो आत्मा के जो संकेत हैं, या जो सह अस्तित्व के संकेत हैं, या जो स्थापित मूल्यों के जो संकेत हैं, उन संकेतों को है ना, उन संकेतों को दर्शन वा शास्त्र के रूप में बाबी है ना, उसकी व्याख्या की है। यह एक प्रकार से सह अस्तित्व की व्यंजना है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि जो व्यंजनीयता ही दर्शन क्षमता है एवं अनुभव ही आनंद है। और यदि हम इसी अध्याय में आगे जा, इसके बाद अगले अध्याय में हम देखते हैं, तो अगले अध्याय जो अभ्यास की अनिवार्यता के रूप में जो अध्याय 2 है, उसमें बाबा जी ने ऐसा लिखा है कि अभ्युदयार्थ किया गया आयास ही अभ्यास है। अभ्युदय का तो आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया जो प्रयास है उसको अभ्यास कह रहे हैं। और इस अभ्यास से क्या होगा, तो समाधान संपन्न होने के लिए जो है अभ्यास है, ऐसा लिखा है। तो अभ्यास पूर्वक हम समाधान संपन्न हो सकते हैं, या सर्वोमुखी समाधान जो है अभ्यास पूर्वक हमारे अंदर से अभिव्यक्त तो प्रकाशित हो सकता है। इसके बाद लिखा है मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक कुशलता एवं पांडित्यपूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। तो ये जो अभ्यास का जो प्रधान लक्षण मानव के जीवन में कुशलता और पांडित्य के रूप में, या कुशलता और पांडित्यपूर्ण व्यवहार के रूप में जो है अभिव्यक्त होता है, तो यही अभ्यास का जो है प्रधान लक्षण है। तो इस तरीके से अभ्यास को परिभाषित किया गया। पहले ये कहा गया कि अनुभव अनुमान क्षमता ही अभ्यास का आधार है, फिर कहा अनुभव से अधिक उदय ही अनुमान है। इसके बाद ये कहा कि ये जो व्यंजनीयता है, तो व्यंजनीयता क्या है, तो दर्शन क्षमता है। तो जब अनुभव चित्त में है ना, जब अनुभव का प्रकाश चित्त में आता है, तो जो चित्त जो है भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाओं को और अस्तित्व सहित क्रियाओं को देख पाता है, उनका दर्शन कर पाता है, यानी उसमें वस्तुगत सत्य स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य जो है स्पष्ट होता है, जिसको हम लोग दर्शन कह रहे हैं। और यही दर्शन अपनी व्याख्या के साथ है ना व्यंजित होता है। तो जिसको व्यंजित होता है मतलब जिस जो अभिव्यक्त होता है ना, और व्याख्यायित होता है, सूत्रित होता है, इसी को व्यंजनीयता के रूप में बाबा जी ने यहाँ पर व्यक्त किया है। और फिर ये कहा गया कि इसका जो प्रयोजन है वो समाधान संपन्न होना है। और फिर ये कहा गया कि मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन पूर्वक कुशलता एवं पांडित्यपूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण है। इसी फिर आगे जाके उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि मानव जागृत होने के लिए अभ्यास करता है। तो अभ्यास क्यों कर रहा है, जागृत, मानव जागृत होने के लिए। यह क्रम जागृति पूर्णता तक करता तक चलता रहता है। तो अभ्यास शुरू हो जाता है, जैसे हम लोग को अभी जागृत नहीं है, तो जागृत नहीं है फिर भी हमारे अंदर अभ्यास शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कर्माभ्यास, व्यवहार अभ्यास, चिंतनाभ्यास कह रहे हैं, वो सब शुरू हो जाता है। लेकिन इसका जो क्रम है वो जागृति पूर्णता तक चलता है। और फिर इसी में आगे लिखा है कि कर्माभ्यास के लिए भौतिक शास्त्रों का, व्यवहार अभ्यास के लिए भौतिक शास्त्रों का, और चिंतनाभ्यास के लिए अनुभव मूलक मध्यस्थ दर्शन प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से जो अभ्यास है, कर्माभ्यास कैसे होगा, तो भौतिक शास्त्रों के साथ होगा, है ना। कर्माभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र, व्यवहार अभ्यास के लिए बौद्धिक शास्त्र, और चिंतनाभ्यास के लिए जिनको हम लोग दर्शन कह रहे हैं, है ना, मध्यस्थ दर्शन कह रहे हैं, जो मध्यस्थ दर्शन 4 भाग में है, वो चिंतनाभ्यास उससे होता है।
फिर इसी में एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि नियंत्रण को व्यंज्य कराने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। तो जिसको हम लोग शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र का मतलब है जो दर्शन शास्त्र है, जो व्यवहार संबंधी शास्त्र है ना, जो वाद के रूप में शास्त्र है, ये जो सभी शास्त्र हैं, तो जो मानव के आचरण में नियंत्रण को व्यंजित करने योग्य प्रसारण क्रिया के रूप में ही है। प्रसारण की चरितार्थता ही व्यंजनीयता है। तो इस अर्थ में जो बाबा जी ने जो भी शास्त्र लिखे हैं, उनकी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, उनको तर्क सम्मत तरीके से मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया है, यह सह अस्तित्व में जो नियंत्रण जो है उसी को व्यंजित किया है। दूसरे अर्थों में कहें तो जो नियम न्याय धर्म सत्य है और जो नियंत्रण संतुलन है और निश्चित आचरण है, उसी को व्यंजित कराने योग्य जो प्रसारण क्रिया के रूप में ये मध्यस्थ दर्शन के सभी वांग्मय जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, इसी को व्यंजनीयता कह रहे हैं। फिर लिखा है आगे जाके संपूर्ण व्यंजनीयता शब्द एवं अर्थों को स्थिति गति के रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। तो संपूर्ण व्यंजनीयता शब्द एवं अर्थों को स्थिति गति रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन है। तो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये शब्द और अर्थ के रूप में जो संपूर्ण व्यंजनीयता है, इसका प्रयोजन क्या है, तो होने और रहने को स्पष्ट करना। तो जिसको हम लोग स्थिति गति कह रहे हैं, तो पदार्थावस्था प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था में स्थिति होने के रूप में स्वीकार करने की जो क्रियाकलाप है उसके रूप में संपूर्ण व्यंजनीयता है। ज्ञानावस्था में स्थिति गति को लेकर जब उसकी समीक्षा की जाती है या उसका अध्ययन किया जाता है, तो ये समझ में आता है कि स्थिति में तो ज्ञानावस्था में होना सिद्ध होता है, लेकिन गति में यानी रहने के अर्थ में सिद्ध नहीं हो पा रहा है, इसी के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। फिर आगे जाके कहा कि हम लोग जो भी शब्द अर्थ के माध्यम से जो समझने वाली वस्तु क्या है, तो समझने वाली जो वस्तु है वो स्थिति वत्ता है। तो जड़ और चैतन्य में जो स्थिति वत्ता है, जो व्यवस्था है, वही नियति क्रम है। तो इस तरीके से जो मूल बात हमको समझना है अभ्यास के माध्यम से, वो स्थिति वत्ता है। स्थिति वत्ता ही व्यवस्था है और वही नियति क्रम है। फिर आगे इसी को यदि और आगे अपन बढ़ते हैं तो कैसे मानव जीवन में न्याय संबद्धता है। फिर एक बात कही गई कि नियंत्रण पूर्वक व्यवस्था ही न्याय शास्त्र एवं नियंत्रण क्रम ही व्यवस्था है। तो ये जो नियंत्रण क्रम है, जैसे मान लीजिए चार आयाम में यदि हम देखते हैं, तो अनुभव तो स्वयं में एक नियंत्रण है, लेकिन विचार का नियंत्रण समाधान से है, व्यवहार का जो नियंत्रण है वो सामाजिक नियमों में है, और उत्पादन का नियंत्रण जो है प्राकृतिक नियमों के से है। तो इस तरीके से हम लोग नियंत्रण क्रम को ही व्यवस्था के रूप में समझते हैं, और इसीलिए जो है ये कहा गया कि जो नियंत्रण को व्यंजित करने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है। तो इस तरीके से नियंत्रण महत्वपूर्ण मुद्दा है। नियंत्रण को हम लोग नियम पूर्वक मानव के सभी आयाम जो हैं उसमें नियंत्रण को पहचाना जा सकता है, है ना। फिर इसी अध्याय में एक जगह ऐसा भी लिखा है कि सम और विषम के नियंत्रण का आधार जो है वो मध्यस्थ है। तो मानव में जो भी सम और विषम है उसके नियंत्रण का जो आधार है वो मध्यस्थ है, और मध्यस्थ क्रिया ही समाधान है, ऐसा इसमें किया। तो नियंत्रण भी यहां हमको समझ में आना चाहिए कि जो नियंत्रण है वो मध्यस्थ के कारण से है, साथ ही मध्यस्थ क्रिया ही समाधान के रूप में है। फिर लिखा है कि जागृत मानव में अखंडता ही सामाजिकता है। तो ये जो भी नियंत्रण है इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, वो सामाजिकता है। तो जागृत मानव में जब तक अखंडता स्थापित नहीं होती है तब तक सामाजिकता नहीं है। तो इस पूरे अभ्यास दर्शन में बहुत सारे उदाहरणों से ये समझाने की कोशिश की गई है कि यदि मानव अखंड समाज के रूप में नहीं अपने को प्रतिष्ठित कर पाता है, उस स्थिति में मानव व्यक्तिवाद और समुदायवाद में या वर्गवाद में रहेगा, और जब
समुदायवाद, व्यक्तिवाद या वर्गवाद में जब तक मानव रहेगा तब तक उसमें द्रोह, विद्रोह, विरोध, संघर्ष, युद्ध आदि स्थितियां बनी रहेंगी, जिससे मानव मुक्ति चाहता है क्योंकि ये अवांछनीय है। तो ये जो सामाजिकता है वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है, तो नीचे कहा गया कि मानव के चारों आयामों और पांचों स्थितियों में मध्यस्थता सहज सुलभ है। मध्यस्थता के अनुशीलन के बिना मानव में अखंडता नहीं है। तो इसलिए हमको यदि सामाजिकता और अखंडता को प्राप्त करना है तो मानव के चारों आयाम और पांचों स्थितियों की सामरस्यता, एक रूपता है ना, और उनकी उसके एकत्व को हमको अभ्यास दर्शन के माध्यम से समझना होगा और उस अनुसार उसका अनुसरण अनुकरण करना होगा। फिर आगे कहा गया कि प्रत्येक मानव स्वतंत्र, स्वातंत्र और स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहता है। तो ये अभ्यास दर्शन जो है इन तीनों को भी स्पष्ट करता है कि मानव कैसे स्वतंत्र हो सकता है, कैसे स्वातंत्रित हो सकता है। स्वातंत्रित यानी जिसको हम कह रहे हैं कि अनुभव के प्रकाश में नियंत्रित होना है ना, उसको स्वातंत्रित कह रहे हैं। तो स्वातंत्रित हो सकता है जो व्यवस्था के रूप में होगा, और स्वतंत्रता पूर्ण होना चाहता है ना, जिसको हम लोग आचरण पूर्णता भी कह रहे हैं। स्वतंत्र, तंत्रित और स्वतंत्रता पूर्ण होना उसके जीवन में प्रकाशित हो सके। फिर और आगे जाने पर एक जगह ऐसा कहा गया कि जागृत मानव ही स्वतंत्रित है, जागृत मानव ही स्वतंत्र है, यानी जो मानव अजागृत है वो स्वतंत्रित नहीं है। फिर कहा गया कि मानवीयतापूर्ण मानव का मतलब है जो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो गया, तो मानवीयतापूर्ण मानव संयमता में से के लिए स्वतंत्रता का प्रमाण है। तो कह रहे हैं ये जो स्वतंत्रता है जिसकी मानव में कामना है, जो मानव चाहता है, उसके लिए मानव में संयमता को समझना पड़ेगा। तो संयमता में, संयमता से, संयमता के लिए ना स्वतंत्रता का प्रमाण है, और ऐषणात्रय सहित उपकार करता है। तो यदि वो स्वतंत्रता उसमें प्रमाणित होती है तभी वो ऐषणात्रय सहित उपकार कर सकता है। फिर इसी में आगे ये कहा गया कि मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन ही स्वतंत्रता है, या स्वतंत्र है ऐसा समझ सकते हैं, स्वतंत्रता है। तो मध्यस्थ क्रिया का मतलब है कि जो भी आत्मा का क्रिया है उसके संकेत को बुद्धि ग्रहण करती है और क्रमशः ये मन तक सूत्रित होता है और मन से फिर मानव के कार्य और व्यवहार तक जाता है। तो यदि मध्यस्थ क्रिया पूर्ण जीवन है ना, तभी स्वतंत्रता है। मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है इसलिए स्वतंत्रता की संभावना है। तो कह रहे हैं कि मध्यस्थ, बाबा जी ने ऐसा अपने में अनुभव किया कि मध्यस्थ क्रिया के अनुसांगी है जब जीवन का संपूर्ण क्रियाकलाप हो गया तो उन्होंने स्वयं में स्वतंत्रता का अनुभव किया। तो कह रहे हैं कि मध्यस्थ क्रिया का अस्तित्व है इसलिए स्वतंत्रता की संभावना है। फिर और आगे जाके ये लिखा है कि नियम, न्याय, धर्म, सत्य अखंड है क्योंकि इनकी मात्रा का निर्णय नहीं है। तो क्रमशः मानव यदि नियम, न्याय, धर्म, सत्य रूपी अखंड वस्तु का, अखंडता का अनुसरण, अनुशीलन, अनुगमन पूर्वक अनुभव के लिए प्रेरित है, यही अखंड सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था का स्पष्ट संभावनात्मक तथ्य है। तो कह रहे हैं कि नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य अखंड है क्योंकि इनकी मात्रा का निर्णय नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, विश्वास का मात्रा में निर्णय नहीं हो सकता है, 90% 99% इस तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि अखंड है, पूर्ण है। इसका अनुसरण, अनुशीलन और अनुगमन पूर्वक ही अनुभव के लिए मानव प्रेरित है, ऐसा समझ में आता है। फिर आगे इसी को इससे जोड़ा गया कि यही अखंड सामाजिकता और सार्वभौम व्यवस्था का स्पष्ट संभावनात्मक तथ्य है। फिर आगे जाके कहा गया कि मानव में संस्कार ही विचार एवं आचरण है,
यही सम्यक्ता, सम्यक्ता यानी पूर्णता के लिए अपेक्षा है। संस्कार की सम्यक्ता यानी संस्कार की पूर्णता के बिना सामाजिकता की अखंडता यानी सामाजिकता की अक्षुण्णता नहीं है। और सार्वभौमिकता, तारतम्यता और एक सूत्रता भी संभव नहीं। वो कह रहे हैं कि सबके मूल में संस्कार है ना, संस्कार ही विचार और आचरण में है। तो जैसे हम लोग चार आयाम देखते हैं, तो अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, इस रूप में चार आयाम देखते हैं। तो इसमें जो विचार और आचरण जो है, उसका उसका जो बीज है वो संस्कार के लिए अपेक्षा है। वो संस्कार ही सत्ता को पूर्णता के अर्थ में भी बाबा जी ने बोला है। इसलिए संस्कार की ना सामाजिकता की अखंडता, सार्वभौमता, तारतम्यता और एक सूत्रता नहीं है, है ना। इसी इसी अखंडता, सार्वभौमता, तारतम्यता और एक सूत्रता के लिए को ही समझने के लिए ये अभ्यास दर्शन है, ताकि हम चार आयाम पांच स्थिति में उसकी मानव के जीने की, मानव की अखंडता, सार्वभौमता, तारतम्यता और एक सूत्रता को समझ सकें, उसको आचरण में ला सकें, प्रमाणित कर सकें। तो ये अभ्यास दर्शन का प्रयोजन है। इसके बाद ये कहा कि ये जो संस्कार है, या जिसको हम समझदारी कह रहे हैं, समझदारी ही संचेतना के रूप में जो है मानव से अभिव्यक्त होती है। तो संचेतना ही मानव की विशेषता है, और यही विशेषता समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, संतुलन एवं संगीतमयता को पाने का अधिकार है। तो ये जो संचेतना की जो विशेषता है, संचेतना के बारे में परिभाषा है, तो संचेतना का मतलब है कि जो चैतन्य इकाई है, जब मानवीय आचरण के रूप में अभिव्यक्त होती है, तो विचार में समाधान के रूप में होती है ना, व्यवहार में जो है समन्वयता, तारतम्यता के रूप में होती है। और तो संचेतना के बारे में लिखा है, पूर्णता के अर्थ में ज्ञान, विवेक, विज्ञान, सहज प्रमाण, ज्ञान संपन्न, जागृत चेतना, मानवीय चेतना, मनुष्य में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता सहित क्रियाकलाप। तो ये जो संचेतना है, यानी जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने की जो क्षमता, योग्यता, पात्रता सहित जो क्रियाकलाप है मानव में, यही मानव की विशेषता है। और यही विशेषता समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, संतुलन एवं संगीतमयता को पाने का एकमात्र अधिकार है। और फिर आगे लिखा है, प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, ममता, सम्मान, स्नेह, विश्वास, गौरव, कृतज्ञता, संज्ञानशीलता का प्रत्यक्ष रूप है। इसके बिना सामाजिक व्यवहार संपन्न होना संभव नहीं है। तो सामाजिक व्यवहार का आधार जो है स्थापित मूल्यों को बताया, और स्थापित मूल्यों पूर्वक जो है मानव अपनी संचेतना में समाधान, समन्वयता, तारतम्यता, संतुलन और संगीतमयता को प्राप्त करता है, या उस पे उसका अधिकार हो जाता है। फिर आगे जाके इसी अध्याय में ये भी कहा गया, जाने हुए को मानना और माने हुए को जानना ही अभ्यास है, कि चरितार्थता है, यही उसकी प्रतिष्ठा एवं आप्त कामना भी है। तो यहाँ एक बार फिर से अभ्यास को स्पष्ट किया, हम लोग पूर्व में भी इसको देख चुके हैं, है ना, कि अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप निपुणता, कुशलता, पांडित की चरितार्थता के रूप में है। निपुणता, कुशलता, पांडित को भी हम लोग आगे जाके और डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि निपुणता, कुशलता, पांडित जो है वो अभ्यास दर्शन के मूल में है, है ना, यही उसकी प्रतिष्ठा एवं आप्त कामना भी है। फिर अध्याय तीन में भी हम आते हैं, हालांकि अजय भाई ने बहुत सटीकता के साथ इन सब चीजों को प्रस्तुत किया है ना, एक बार में आपके स्मरण में आ जाए, इसलिए मैं इसको फिर से कुछ कुछ बिंदुओं पे आपका ध्यान दिला रहा हूं। तो अध्याय तीन है, अभ्योदय की अनिवार्यता। तो अभ्योदय की अनिवार्यता को इस तरीके से ध्यान दिलाया है बाबा जी ने, चारों आयाम और पांचों स्थिति की एक सूत्रता एवं समन्वयता ही
अभ्योदय का प्रत्यक्ष रूप है। चारों आयाम की तो बात हो चुकी है, विचार व्यवहार व्यवसाय और अनुभव, इनको चार आयाम करें। मानव में पांच स्थिति, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र, इनकी एक सूत्रता और समन्वयता ही अभ्योदय का प्रत्यक्ष रूप है, जिसकी संभावना एवं अवसर भी है। फिर कहा गया कि जो वर्ग निर्माण पद्धति, नीति, व्यवहार, उपदेश, शिक्षा व्यवस्था वर्ग विहीन अखंड समाज को स्थापित करने में असमर्थ रही, तो कह रहे कि ये क्यों जरूरी है चार आयाम, पांच स्थितियों की जो भी अखंडता है। और जो समन्वयता है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता ये है कि अभी तक मानव जाति जिन भी विधियों से जी है, जिसमें मूल रूप से आदर्शवाद, भौतिकवाद है, आदर्शवाद भौतिकवाद से हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं वो एक समुदाय चेतना है। समुदाय चेतना, वर्ग चेतना, आजकल उसको प्रचलित भाषा में संप्रदाय चेतना भी बोलते हैं, या धर्म चेतना, जाति चेतना इस तरीके से भी बोलते हैं, या जातिगत अस्मिताएं आदि, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द जो है उपयोग करते हैं। वहां तक की यात्रा है, यहाँ तक कि अभी जिसको राष्ट्रीयता कहते हैं ना, वो राष्ट्रीयता भी एक प्रकार की समुदाय चेतना है, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 200 देश हैं और ये सब अपने अपने राष्ट्र की राष्ट्रीयता के साथ जो है, नेशनैलिटी के साथ समुदाय है। तो ये जो समुदाय निर्माण की जो पद्धति, नीति, व्यवहार, उद्देश्य, शिक्षा और व्यवस्था में वर्ग विहीन अखंड समाज को स्थापित करना संभव नहीं हुआ है, जबकि वर्ग विहीन अखंड समाज को पाने की कामना या चिराकांक्षा मानव में पहले से ही रही। तो ये जो अभ्यास दर्शन है, ये चारों आयाम, पांचों स्थितियों में इसकी एक सूत्रता को, समन्वयता को, इसकी संगीतमयता को स्पष्ट करता है ना। और कहाँ स्पष्ट करता है? मानव के चारों आयाम में, अनुभव में, विचार में, व्यवहार में और व्यवसाय में, है ना, इन चारों आयाम में इसको स्पष्ट करता है। जबकि जो पूर्व में जो भी हमने, हम अभी तक जिस विधि से जिए हैं, उस विधि से हम सब लोग जो हैं खंड खंड हो गए हैं, है ना, अखंड समाज नहीं बन पाए हैं, हम सब लोग जो हैं किसी न किसी समुदाय चेतना में फंसे हुए हैं। तो समुदाय चेतना से अग्रिम जो है वो अखंड समाज ही है, तो अखंड समाज तक पहुंचने का जो सूत्र है वो हमको आदर्शवाद भौतिकवाद में मिला नहीं, अभी तक मिला नहीं, और इसी के कारण से जो समुदाय चेतना है उसमें द्रोह विद्रोह, लड़ाई झगड़े, युद्ध युद्ध की सामग्री बनाना, है ना, और उसकी होड़, हथियारों का होड़, ये सब दिखता है ना, उससे मानव जाति मुक्त होना चाहती है। फिर आगे एक बिंदु ऐसा भी है कि विवेक व विज्ञान, विवेक व विज्ञान का संतुलनाधिकार सहित प्रमाण ही भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो संतुलन है वो कैसे आएगा? तो विवेक और विज्ञान के संतुलन के आधार पे आएगा। अभी हम लोग विज्ञान के क्रिया को असंतुलन में देख रहे हैं, उसके कारण से सारी प्राकृतिक आपदाएं हो रहे हैं वो मानव जीवन में दिखती है, और इसी तरीके से मानव मानव के साथ नहीं जी पा रहा है, एक परिवार में, संबंधों में लोग नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि व्यवहार में असंतुलन है, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ नहीं जी पा रहा है, तो इसलिए असंतुलन हमको दिखता है। तो कह रहे हैं कि यदि इसमें संतुलन स्थापित होता है तभी भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान है। अभी जो है ना तो भौतिक समृद्धि है ना बौद्धिक समाधान है। फिर इसमें उन्होंने अब तीन प्रकार के अभ्यास की बात की है, कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास और चिंतनाभ्यास। और कर्माभ्यास के बिना उत्पादन एवं समृद्धि और व्यवहाराभ्यास के बिना समाधान नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ आगे कहा गया कि जो चिंतनाभ्यास पूर्वक ही यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को निरीक्षण परीक्षण कर प्रमाणित कर पाना सहज है, यही समाधान रूपी निष्कर्ष को स्फुरित करता रहता है। तो चिंतनाभ्यास क्या करता है? समाधान रूपी निष्कर्ष को स्फुरित करता है, और अभ्यास का अर्थ ही है समाधान संपन्न हो जाना, जैसा कि हम लोगों ने अभी पूर्व में देखा। फिर आगे कहा गया कि अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अनुभव कार्यक्रम नहीं, जिसको मैं कह रहा था कि अनुभव कोई बड़ी चीज नहीं ऐसा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनुभव को हम लोग उसके दिमाग को उसकी उसको कम कर रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो
जिसको हम करें अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने के अर्थ में देखें तो अनुभव कार्यक्रम नहीं है अपितु अनुभव में से के लिए कार्यक्रम, यानी अनुभव तो चाहिए लेकिन केवल अनुभव तक कोई कार्यक्रम नहीं है कि हम सोचें कि केवल हमको मोक्ष मिल जाए, हम बंधन मुक्त हो जाए, है ना, पर वैराग्य की स्थिति में हम जाके स्थापित हो जाए किसी पहाड़ में जाके, किसी है ना जागृत आत्मा के रूप में उस पहाड़ में जाके टिक जाए, स्थिर हो जाए, है ना, शरीर छोड़ने के बाद जैसा कुछ परंपराओं में माना गया है ना। अनुभव के बाद अनुभव अनुभवी आदमी का आचरण क्या होगा इसकी व्याख्याएं सुनने को नहीं मिलती हैं। तो कह रहे हैं कि अनुभव में से के लिए ही कार्यक्रम है, नीति त्रय अन्योन आश्रित है। फिर इसमें कहा कि वो कार्यक्रम क्या है, तो वो कार्यक्रम है धार्मिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम और आर्थिक कार्यक्रम है ना, इसी को हम लोग नीति त्रय कह रहे हैं, है ना, धर्म नीति, राजनीति और अर्थनीति के रूप में। और ये तीनों नीतियों के रूप में जो कार्यक्रम है वो अन्योनाश्रित है ना। तो धर्म नीति राजनीति के रूप में जो है सदुपयोगात्मक और सुरक्षात्मक जो है कार्यक्रम है, और अर्थ नीति के माध्यम से अर्थोपार्जन के रूप में समृद्धि का कार्यक्रम। तो ये कहा कि नीति त्रय पूर्वक ही मानव में अनुभव में से के लिए कार्यक्रम की स्पष्टता है, ये कार्यक्रम है ऐसा कहा। फिर अध्याय चार में अखंड समाज से सामाजिकता की अनिवार्यता इसकी बात आई है। तो इसमें मेरा ध्यान जिन बिंदुओं पे गया तो उसमें ये जो चार आयाम हैं मानव के अंदर, पहली बात तो ये है कि हम ये जो अखंड समाज सहित जो सामाजिकता है ये किस लिए चाहिए, तो कहा कि अभय के लिए, समाधान और समृद्धि के लिए, है ना, इसके लिए हमको ये चाहिए। दूसरे अर्थों में कहें भ्रम मुक्ति के लिए, बौद्धिक समाधान के लिए और भौतिक समृद्धि। तो ये इसमें इसको और समझने जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान जाता है कि जो व्यवहार आयाम है, व्यवसाय आयाम है, व्यवसाय आयाम में उत्पादन में अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोग का, व्यवहार आयाम में न्याय एवं सहअस्तित्व का, विचार आयाम में समाधान एवं दर्शन क्षमता का, और अनुभव आयाम में परमानंद एवं सहअस्तित्व का उद्गाता है। मानव क्या है, तो मानव व्यवहार आयाम में अभ्यास पूर्वक उत्पादन में अर्थ की सुरक्षा एवं सदुपयोगता को पहचानता है। तो समृद्धि के साथ साथ जो समृद्धि है उसको वो समाज में सदुपयोगता के अर्थ में सदुपयोगता विधि से नियोजित करता है ना, यही उसका सदुपयोग है। और जो भी अर्थ है तन मन धन के रूप में जो भी अर्थ है उसकी सुरक्षा। फिर कह रहे हैं कि जो व्यवहार आयाम है, व्यवहार आयाम में न्याय एवं सह अस्तित्व का उद्गाता जो है मानव है। तो न्याय का मतलब है मूल्य चरित नैतिकता की निरंतरता के साथ संबंधों में जीना, और सह अस्तित्व का मतलब है व्यक्ति परिवार समाज अंतरराष्ट्र जो है वो अखंड समाज के रूप में न्याय की निरंतरता को प्राप्त कर पाए। तो यही व्यवहार आयाम का प्रयोजन भी है और व्यवहार आयाम की दिशा भी है। तो व्यवहार आयाम में न्याय एवं सहअस्तित्व का, और विचार आयाम का जो प्रयोजन है वो समाधान है, और दर्शन क्षमता है। तो दर्शन क्षमता का मतलब है स्थिति गति के रूप में संपूर्ण जो क्रियाकलाप है उसको समझना, संपूर्ण क्रियाओं को दर्शन के रूप में, दर्शन क्षमता जो है वो विचार आयाम में ही है, और दर्शन क्षमता पूर्वक ही मानव समाधान को प्राप्त होता है। इसको हम कहें कि आशा विचार इच्छा को यदि समाधान के अर्थ में नियोजित करते हैं उससे समाधान जो है हमको उपलब्ध होता है। तो विचार आयाम में समाधान और दर्शन क्षमता का उद्गाता है, और अनुभव आयाम में परमानंद एवं सहअस्तित्व का उद्गाता है। इस तरीके से ये चारों आयाम को, है ना, उसकी उपलब्धियों को बाबा जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया। क्या फिर आगे इसी में कहा कि मानवीयता पूर्वक पांचों स्थितियों में, तो ये जो चार आयाम है फिर पांच स्थितियां हैं, तो पांच स्थितियों में आचरण संहिता को स्पष्ट करता है। मानवीयता पूर्वक मानव, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र। तो मानव जब शब्द होता है तो मानव का मतलब सर्व मानव होता है। तो मानव पांच स्थितियों में है ना, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में।
तो व्यक्ति के स्तर पे आचरण संहिता, परिवार के स्तर पे आचरण संहिता, समाज के स्तर पे आचरण संहिता, है ना, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आचरण संहिता को, मानव आचार संहिता को मानवीयतापूर्ण मानव जो है वो स्पष्ट करता है। मानवीयतापूर्ण मानव से पहले, यानी जब तक कोई भी एक मानव इस धरती पर जीव चेतना से, यानी भ्रमित मानव से मानव चेतना में संक्रमित नहीं हुआ है, तब तक पांचों स्थिति की आचरण संहिता का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है ना। इसको इस तरीके से भी समझा जाता है। तो जब किसी एक मानव में मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो, या उसका मानव मानवीयतापूर्ण मानव के रूप में संक्रमण हो जाता है, यानी वो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो जाता है, उसी समय ये पांचों स्थिति में आचरण संहिता जो है स्पष्ट होती है, जिसका प्रत्यक्ष रूप जो है अखंड सामाजिकता है। तो जैसा अभ्यास का जो प्रयोजन भी यही है, अभ्यास पूर्वक जो है मानव चाह रहा है पांच स्थिति की एक सूत्रता समन्वयता को पाना चाहता है, तो ये एक सूत्रता समन्वयता है, उसी को अखंड सामाजिकता कह रहे हैं। तो एक तरीके से अभ्यास का जो उद्देश्य है वो सामाजिकता को का लोक व्यापीकरण करना है, या सामाजिकता की निरंतरता को मानव परंपरा में सुनिश्चित करना है। इसके बाद समाज के आधार की बात आई है, तो समाज का आधार क्या है? तो समाज का आधार व्यक्ति नहीं है ना, तो मानव शहर मानवीयतापूर्ण आचरण एक समाज का आधार है। दूसरा, प्रमाण त्रय के रूप में जो है वो समाज का आधार है। तीसरी बात कही गई कि स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्य समाज का आधार है। यदि संबंध स्थापित नहीं है और मूल्य जो है स्थापित नहीं, उस स्थिति में समाज नहीं बन सकता, जिसको अपन समाज बनने। फिर इसके बाद कहा नीति त्रय, तो ये चार बातें उन्होंने कहा, मानवीयतापूर्ण आचरण, फिर इसके बाद प्रमाण त्रय, और तीसरी बात कही स्थापित संबंधों में निहित स्थापित मूल्य, और चौथी बात कही नीति त्रय, यही समाज का आधार है। फिर कहा कि मानव पांच स्थितियों में गण्य है, जो अभी पहले भी बात की है, व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय के रूप में मानव गण्य है। और समाज का जो मूल रूप प्रत्येक मानव में समाया है, जो विचार आशा आकांक्षा मंगल कामना के रूप में है ना। फिर इसी में ये भी कहा गया, संबंध विहीन जन्म और मूल्य विहीन संबंध नहीं है, संपूर्ण मानव के साथ स्थापित संबंध समान है, उसमें स्थापित मूल्य भी समान है, यही संबंध व मूल्य ध्रुव है। तो ये जो बात ऊपर कही गई उसी को यहाँ नीचे उसकी व्याख्या की गई। फिर यहाँ पर जो मैंने एक बार अभी पूर्व में भी उल्लेख किया था, जो अभ्यास को हम लोग समझने की को, तो इसमें बाबा जी ने कहा प्रत्यक्ष अनुमान आगम क्रियाएं मानव के द्वारा चरितार्थ हुई हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब है जो सहअस्तित्व में अनुभव है वही प्रत्यक्ष है, और ये जो सहअस्तित्व रूपी अनुभव जो प्रत्यक्ष है, जब वो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, है ना, जागृति क्रम के रूप में स्पष्ट होता है, उसको अनुमान कह रहे हैं। और जब वो प्रमाणित हो जाता है तब वो आगम है ना। जब व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तो चारों आयाम में एक सूत्रता प्रकट होके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जो आचरण व्यक्त होता है वो आगम है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष अनुमान और आगम की बात है। तो जो अनुभव अनुभव हम कहेंगे वो प्रत्यक्ष है, अनुमान के रूप में जो है जिसको जागृत मानव परंपरा कह रहे हैं वो मानव के अनुमान में है। अनुमान पूर्वक ही मानव अभ्यास करता है, अनुभव के प्रकाश में अनुमान पूर्वक ही अभ्यास तय होता है, और अभ्यास पूर्वक ही आगम क्रिया के रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है मानव के द्वारा चरितार्थ होता है। तो इसके बाद ये कहा कि भाई एक बताया कि मानव का आधार क्या है, फिर कहा समाज का आधार क्या है, ये पहले कहा, फिर कहा समाज का लक्ष्य क्या है। जब हम समाज शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो वो अखंड समाज है, समाज का मतलब है व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय के रूप में जो अखंड समाज है उसी को समाज कह रहे हैं। तो जो समाज का जो लक्ष्य है वो अभयता है, और
भौतिक समृद्धि है और बौद्धिक समान है। तो अभयता कब होगी? जब संबंधों में व्यक्ति से लेके अंतर्राष्ट्रीय तक पांचों स्थिति में न्याय की निरंतरता हो जाएगी, उस स्थिति का नाम अभयता है। बौद्धिक समृद्धि का मतलब क्या है? जब बौद्धिक समृद्धि जो है व्यक्ति से लेके अंतर्राष्ट्र तक उसकी निरंतरता बनी रहेगी, उसको बौद्धिक समृद्धि करें। जो बौद्धिक समाधान का मतलब है व्यक्ति से लेके व्यक्ति परिवार समान राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में सार्वभौम समाधान जो है वो उसकी सार्वभौम समाधान के रूप में व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, उसी को कह रहे हैं बौद्धिक समाधान, है ना। और ये जो बौद्धिक समाधान और बौद्धिक समृद्धि और अभयता है, ये व्यक्ति परिवार समान राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में रहती है ना। इसका जो प्रत्यक्ष रूप है, इन तीनों का जो प्रत्यक्ष रूप है, अभयता, बौद्धिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान, इसका जो प्रत्यक्ष रूप है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अर्थ है वर्ग सीमाओं से मुक्त, भ्रम व भय से मुक्त स्थिति, है ना, मानव की स्थिति। इस रूप में जो है समाज के लक्ष्य को बाबा जी ने रेखांकित किया। फिर आगे उन्होंने फिर कहा कि मानव के चारों आयाम पांचों स्थिति की एक सूत्रता ही अभयता, समाधान और समृद्धि है, है ना। इस तरीके से बार बार अभ्यास दर्शन इस जाने की कोशिश कर रहा है कि मानव में चारों आयाम पांचों स्थितियों की एक सूत्रता को प्राप्त कर लेना ही अभ्यास का मूल प्रयोजन है, है ना। क्योंकि इसकी एक सूत्रता को पाए बिना मानव में अभयता, समाधान, समृद्धि और सह अस्तित्व का भी अनुभव नहीं, जिसको हम लोग सह अस्तित्व का अनुभव, सह अस्तित्व का प्रमाण नहीं, ऐसा हम लोग कह सकते। फिर अध्याय पांच में सामाजिकता का अध्ययन जो है वो अध्याय पांच है, और इसमें ये लिखा है जो शायद दूसरा सेंटेंस है जहां से बात शुरू हुई है कि मानव सामाजिकता के अध्ययन के लिए उत्साही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें लिखा है कि मानव अकेले में से के लिए नहीं, अकेले में से के लिए यदि मानव को समझा जाए तो मानव जो है वो परिभाषित नहीं होता है। तो समाज का केंद्र मानव है और मानव जीवन चारों आयाम की एक सूत्रता है जो स्थिति बताता है। तो यहाँ तीन बातें हैं मूल रूप से। पहली बात ये कही गई कि मानव अकेले में से के लिए नहीं, या दूसरे अर्थों में कहें तो अकेले में से के लिए मानव में कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई आचरण नहीं है, है ना? ना उसमें कोई कार्यक्रम है, ना जीने का कोई लक्ष्य निकल के आता है। यदि मानव में से के लिए, यदि अकेले में से, यानी व्यक्ति के अकेले, इसी को हम लोग व्यक्तिवाद कह रहे हैं, व्यक्तिवाद के आधार पे हम लोग कहीं नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात है समाज का केंद्र मानव है, और तीसरी बात ये कही गई है कि मानव जीवन चारों आयाम की एक सूत्रता है। तो मानव जीवन को यदि समझने जाते हैं तो केवल विचार आयाम नहीं है, है ना, तो केवल अनुभव आयाम भी नहीं है, है ना। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि मानव जीवन चारों आयाम की एक सूत्रता है, उसी को अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय आयाम की एक सूत्रता भी कह रहे हैं, इसी को जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना की एक सूत्रता भी कह रहे हैं, जो स्थिति बताता है, है ना। चारों आयाम एक सूत्रता के रूप में ही स्थिति बढ़ता पहचानने में आती। कैसे पहचानने में आएगी? तो अनुभव में सत्य पहचानने में आएगा, विचार में धर्म पहचानने में, व्यवहार में न्याय पहचानने में आएगा, और व्यवसाय में नियम, जिसको हम लोग कार्य व्यवसाय या उत्पादन कह रहे हैं, उसमें नियम की पहचान। तो जो नियम, न्याय, धर्म, सत्य है, यही स्थिति बढ़ता है। तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य की पहचान जो है मानव की चार आयाम में होती है। तो जो अध्ययन है, जिसको हम लोग चार आयाम का अध्ययन कह रहे हैं, अध्ययन स्थिति वत्ता कही है, यानी नियम, न्याय, धर्म, सत्य का ही अध्ययन है। स्थिति वत्ता ही सत्यता है, ये यहां पर स्पष्ट किया, इसको हमको अपने ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसके बाद लिखा है कि जो संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन का मतलब है स्थिति वत्ता का दर्शन। दूसरे अर्थ में कहें तो सत्ता में संपर्क प्रकृति सहज जो दर्शन है, है ना। तो दर्शन ही जो अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण ज्ञान है। तो दर्शन क्या है? तो वही ज्ञान है,
तो ज्ञान क्या है, तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में ज्ञान। फिर कह रहे ज्ञान ही अनुभव है, फिर आगे है अनुभव ही सत्य है और सत्य अपरिणामी है। अनुभव पूर्वक प्रयोग और व्यवहार पूर्ण सिद्ध प्रमाण भी अनुभव ही है। तो पहली बात तो अनुभव के महत्व को यहां पर उन्होंने रेखांकित किया, जो स्थितिवत्ता के रूप में दर्शन क्रिया को उन्होंने स्पष्ट किया और दर्शन को ज्ञान के रूप में स्पष्ट किया और ज्ञान को अनुभव के रूप में। फिर ये कहा कि अनुभव ही सत्य है, तो अनुभव आयाम जो है उसमें सत्य के रूप में स्थितिवत्ता पहचानने में आती है और सत्य अपरिणामी है, मतलब वो परिणाम से मुक्त है ना? तो इसीलिए सत्य को अपरिणामिता के रूप में स्पष्ट किया। फिर ये भी कहा कि जब अनुभव पूर्वक प्रयोग और व्यवहार पूर्ण सिद्ध हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, वह भी अनुभव ही है। तो दर्शन विहीन प्रयोग, दर्शन विहीन प्रयोग व व्यवसाय या उत्पादन, दर्शन विहीन प्रयोग व व्यवसाय सिद्ध नहीं है। तो यहां तक ही कह रहे हैं कि जो व्यवसाय आयाम है वो भी दर्शन विहीन नहीं है ऐसा। तो इसलिए अध्ययन जो ऊपर हम लोगों ने जिस पे ध्यान दिया था कि अध्ययन स्थितिवत्ता का ही, स्थितिवत्ता ही सत्यता है। फिर इसके बाद कहा कि संपूर्ण अध्ययन स्थितिवत्ता का दर्शन है। फिर यही कहा कि दर्शन ही ज्ञान है, ज्ञान ही अनुभव है। इस तरीके से उन्होंने संपूर्ण अध्ययन को स्थितिवत्ता के अध्ययन के रूप में जो है इस अध्याय में स्पष्ट किया। फिर अध्याय 6 जो है वो सामाजिक आचरण के संबंध में है और यहाँ पुनः जो इसमें शुरुआत में ये कह दिया कि मानव 5 स्थिति में गण्य है, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर, है ना? क्योंकि इन 5 स्थिति का जो आचरण है वो परस्पर पूरक है। 10 सोपानी व्यवस्था में ये स्पष्ट होता है, तो इनकी जो पूरकता है वो 10 सोपानी व्यवस्था में, जिसकी बात जो है आगे अभ्यास दर्शन में भी आई है। इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा व्यवहार दर्शन में भी ये 10 सोपानी व्यवस्था को समझने की बात की है। फिर इसके बाद व्यवहारवादी समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में भी 10 सोपानी व्यवस्था पे काफी अध्ययन करने का अवसर हम लोगों के पास रहेगा। फिर मानवीय जो संविधान है, जो मानव संविधान है, तो मानवीय संविधान में भी 10 सोपानी व्यवस्था, 10 सोपानी जो व्यवस्था है उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। तो कह रहे हैं कि जो 5 स्थिति का जो आचरण है वो परस्पर पूरक है। कैसे? तो व्यक्ति का आचरण परिवार के साथ, परिवार का आचरण समाज के साथ, समाज का आचरण राष्ट्र के साथ, राष्ट्र का आचरण अंतर्राष्ट्र के साथ, फिर अंतर्राष्ट्र राष्ट्र के लिए, राष्ट्र समाज के लिए, समाज परिवार के लिए, परिवार व्यक्ति के लिए। इस तरीके से आचरण की परस्पर पूरकता को 10 सोपानी व्यवस्था में स्पष्ट किया गया, जिसको हम लोग सामाजिक आचरण कह रहे हैं। आचरण में परस्पर पूरकता ही मूल सिद्धांत है। साथ ही उसमें यह भी कहा कि ये जो आचरण है 5 स्थितियों में गण्य होता है। और फिर ये भी इससे पहले एक सेंटेंस ये भी लिखा था कि सामाजिकता का अध्ययन एवं अभ्यास अनिवार्य साधना है। तो मूल रूप से मानव की जो साधना है वो अध्ययन और अभ्यास के रूप में मध्यस्थ दर्शन प्रतिपादित की गई है। तो अध्ययन एवं अभ्यास किस लिए? तो सामाजिकता, सामाजिकता के लिए, है ना? तो सामाजिकता कैसे आएगी? 5 स्थिति में आचरण की परस्पर पूरकता के रूप में आएगी, या 5 स्थिति में एक सूत्रता और समन्वयता के रूप में आएगी। इस सब के लिए अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता है। अध्ययन अभ्यास ही साधना है। फिर आगे जाके कहा कि आचरण विहीन इकाई नहीं है। कोई कहे कि हम मतलब कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई आचरण नहीं होता, तो बाबा जी कह रहे हैं कि आचरण विहीन कोई इकाई नहीं होती। मानवीयता पूर्ण आचरण व्यक्ति में, सहयोग, सहकार्य योग क्षमता परिवार में, प्रोत्साहन योग प्रचार, प्रदर्शन, प्रकाशन समाज में, उसका संरक्षण संवर्धन योग विधि राष्ट्र में, और उसके अनुकूल व्यवस्था राष्ट्र में, उसके अनुकूल परिस्थितियां अंतरराष्ट्र में प्राप्त कर लेना ही 5 स्थितियों की एक सूत्रता है।
यानी जिसको हम पांचों स्थिति की एक सूत्रता कह रहे हैं, वो मूल रूप से आचरण की ही एक सूत्रता है, जो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र के रूप में जो आचरण है उनमें एक सूत्रता को प्राप्त कर लेना ही अभ्यास का प्रयोजन है, अध्ययन का प्रयोजन है, लक्ष्य है। इस पे काफी विस्तार से मुझे ऐसा स्मरण है कि अजय भाई ने काफी विस्तार से इस पे बात की थी। फिर महेश भाई ने भी शायद इस पे अपनी बात रखी थी। फिर इसके बाद है संबंध की, संबंध का पहचान, मूल्यों का निर्वाह ही परिवार समाज व्यवस्था है। यदि हम परिवार और समाज के रूप में जो अखंड समाज व्यवस्था को यदि हम समझने जाते हैं तो उसके मूल में संबंध का पहचान और मूल्यों का निर्वाह है। तो संबंध का पहचान व्यक्ति में होता है और फिर व्यक्ति जब संबंध को पहचानता है उसके बाद मूल्य निर्वाह के रूप में संबंध निर्वाह की निरंतरता होती है। संबंध निर्वाह की निरंतरता जो है कर्तव्य दायित्व की निर्वाह की निरंतरता के रूप में रहती है। यही परिवार में जो है समझदार परिवार जो है न्याय की निरंतरता के साथ जीते हुए परिवार के रूप में प्रमाणित होता है। फिर परिवार परिवार के बीच में जो संबंध है वो चरित्र पूर्वक है, जिसको स्वाधर्म स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में परिवार परिवार आपस में जो है वो समाज बनते हैं। बाबा जी ने इसी में कहीं पर कहा है, शायद आगे आ भी सकता है, इसमें उन्होंने कहा है कि परिवार जो है संबंध की पहचान और संबंध में बिना वो गठन है। तो परिवार एक प्रकार से गठन है और जिसको हम लोग अखंड समाज कह रहे हैं वो संगठन है। तो मानव जो है गठन से संगठन में जाना चाहिए। तो परिवार में जो परिवार क्या है वो बुनियादी व्यवस्था की बुनियादी इकाई है। वहां पर जितने भी संबंधों में जो संबंध की पहचान और संबंध निर्वाह की क्रिया है उस रूप में परिवार एक गठन है। लेकिन जैसे ही ये परिवार परिवार के रूप में आपस में संबंध को पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ परिवार परस्पर पूरकता का निर्वाह करते हैं, उसी के साथ साथ जो है परिवार समूह के रूप में पहला संगठन जो है उत्पन्न होता है। परिवार समूह फिर ग्राम समूह, इस तरीके से दस सौ पानी व्यवस्था में क्रमशः अखंड समाज तक जो है परिवार गठन से संगठन को प्रमाणित करता है। तो जब वो संगठन में यानी अखंड समाज के रूप में अपने को प्रमाणित कर लेता है वही व्यवस्था के रूप में स्पष्ट होता है। तो इसलिए उसके मूल में संबंध का पहचान है, संबंध के पहचान के बाद मूल्यों का निर्वाह है ना, संबंध की पहचान के साथ ही संबंध की स्वीकृति है, संबंध की स्वीकृति के साथ ही वहन क्रिया है, जिम्मेदारियों का वहन करना। जिम्मेदारियों के वहन को यदि हम समझने जाएं तो वो कर्तव्य दायित्व को स्वीकार करना है ना। जैसे हर माता पिता जो है बच्चों के साथ कर्तव्य दायित्व की निरंतरता को स्वीकार करते हैं है ना, इस तरीके से वहन वहन को हम लोग समझ सकते हैं। और उसकी निरंतरता को यदि परिवार से हमको अखंड समाज तक पहुंचना है तो उसकी निरंतरता जो है वो चरित्र पूर्वक और फिर नैतिकता पूर्वक है ना। तो मूल्य चरित्र और नैतिकता पूर्वक ही परिवार से समाज और समाज से व्यवस्था है, ऐसा हमको समझ सकते। फिर यहाँ उन्होंने जन्म संबंध, जीवन जीवन संबंध, शिष्ट संबंध, नीति संबंध, उत्पादन संबंध को व्याख्यायित किया, क्योंकि संबंध विहीन मानव नहीं। फिर आगे कहा मूल्यों की स्थिरता ही अखंडता एवं अक्षुण्णता है। तो मूल्यों की स्थिरता नहीं, यदि मान लीजिए कि हम उत्पादन मूल्यों के आधार पर चले तो उत्पादन मूल्य स्थिर नहीं है, और जो शिष्ट मूल्य है वो भी देश काल के आधार पर है, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है ना शिष्ट मूल्य है, इसलिए वो भी स्थिर नहीं। तो जिनको हम लोग मूल्यों की स्थिरता कह रहे हैं वो स्थापित मूल्य है, जीवन मूल्य है, मानव मूल्य है। इस रूप में मूल्यों की स्थिरता ही समाज का या अखंड समाज का जो है आधार बनती है। तो कह रहे हैं मूल्यों की स्थिरता अखंडता एवं अक्षुण्णता है, जो नियति क्रम में पाए जाने वाले तथ्य हैं। समाज की पांचों स्थिति परस्पर पूरक है, जिसकी एक सूत्रता ही अखंडता है। तो जब मैंने ये शुरू किया था तभी मैंने ये कहा था कि अभ्यास दर्शन जो है चार आयाम और पांच
स्थितियों की एक सूत्रता समन्वयता के लिए है ना, जिसको तो अंतरराष्ट्रीय, तो मैंने ये कहा था कि अभ्यास दर्शन जो है मानव के जीने के चार आयाम, पांच स्थिति की सामरस्यता और एक सूत्रता। जब हम एक सूत्रता को देखते हैं तो एक सूत्रता पांचवें स्थिति की भी है, और पांचवें स्थिति में सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था की एक सूत्रता भी आगे हमको स्पष्ट होती है। और अक्षुण्यता, अक्षुण्यता का मतलब है कि निरंतरता को पालना। अक्षुण्यता को बाबा जी ने निरंतरता के अर्थ में भी जो है स्पष्ट किया है। तो इसलिए मूल्यों की स्थिरता आवश्यक है। तो स्थिर संबंधों और स्थिर मूल्यों के आधार पे ही जिसको हम कह रहे हैं अखंडता और अक्षुण्यता जो है वो स्पष्ट होती है। तो जो यही नियति क्रम में पाए जाने वाला तथ्य है, तो समाज की पांचों स्थिति परस्पर पूरक हैं। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराज जो है परस्पर पूरक है। जैसा अभी पहले भी मैंने इसको थोड़ी सी बात आपके सामने रखी थी, इसकी एक सूत्रता ही अखंडता है। फिर आगे जाके कहा कि जो मानव की जो मूल शक्ति है, तो मानव में मूल शक्ति क्या है, तो निपुणता, कुशलता, पांडित्य है ना, इसी को पूंजी भी कह रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, वर्ग स्वत्व एवं स्वतंत्रता चाहता है। तो बाबा जी कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति, परिवार और वर्ग ये स्वत्व और स्वतंत्रता चाहते हैं, है ना, क्योंकि व्यक्ति, परिवार और वर्ग के रूप में स्वत्व और स्वतंत्रता का पहचान नहीं हो पाया। तो स्वत्व और स्वतंत्रता का पहचान भी जो है ना चारों आयाम, पांचों स्थिति की एक सूत्रता में ही है। तो इसलिए कुल मिला के चारों आयाम, पांचों स्थिति की एक सूत्रता के रूप में सामाजिकता को, अखंडता को, व्यवस्था को समझना है। जिसके लिए व्यक्ति, परिवार और समुदाय या वर्ग जिसको कह रहे हैं वो इसके लिए त्रसित हैं। फिर स्वाधीनता सहित ही स्वत्व है। तो स्वत्व कैसे है? स्वाधीनता पूर्वक है। स्वाधीनता कैसे है? तो समाधान समृद्धि पूर्वक है। समाधान समृद्धि के बिना स्वाधीनता नहीं है, स्वाधीनता नहीं है तो स्वत्व नहीं है, ऐसा। फिर कह रहे हैं कि स्वत्व केवल निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही है। निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में ही स्वत्व है। फिर आगे ये कहा गया कि मानव जीवन असंग्रह स्नेह, विद्या, सरलता एवं अभ्यात्मक मूल प्रवृत्तियों पर ही हर्ष का अनुभव करता है। क्योंकि इन मूल प्रवृत्तियों के बिना जो है सामाजिकता का प्रकटन नहीं है। क्योंकि जो क्लेश परिपाकात्मक जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जिनको हम लोग संग्रह, द्वेष, अविद्या, अभिमान, भ्रमात्मक प्रवृत्तियां आदि कहते हैं, ये सब होने से क्लेश भी होता है, विरोध होता है, लड़ाई झगड़े है ना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब होता है, और ये युद्ध तक, अमानवीय तक सूत्रित होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मानव जीवन जो है उसमें असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभ्यात्मक मूल प्रवृत्तियों पर ही हर्ष का अनुभव करता है। और फिर इसी को आगे उन्होंने स्पष्ट किया, विद्या का प्रत्यक्ष रूप निपुणता, कुशलता, पांडित्य है। असंग्रह का प्रत्यक्ष रूप आवश्यकता से अधिक उत्पादन है। सरलता का प्रत्यक्ष रूप सामाजिकता है, और स्नेह का प्रत्यक्ष रूप जो है सौजन्यता है। अभय का प्रत्यक्ष रूप ही सहअस्तित्व है। तो यदि हम निपुणता, कुशलता, पांडित्य पूर्वक जो है आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हुए सामाजिकता में जीते हैं और परस्पर सौजन्यता को बनाए रखते हैं, तो हम अभय के रूप में सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हुए परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं ना, या हर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मेरा ध्यान फिर एक जगह गया कि मानव की क्षमता, योग्यता, पात्रता ही उसका स्वत्व है। तो मानव के की जो क्षमता है, योग्यता है, पात्रता है, यही उसका स्वत्व है। जो निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही है। यदि क्षमता, योग्यता, पात्रता को जीवन में देखें तो उसका जो व्यवहारिक रूप है वो मानव समाज में निपुणता, कुशलता, पांडित्य के रूप में है। फिर
ये कहा गया कि वाहन पूर्वक स्थापित मूल्यों का निर्वाह शिष्टता पूर्वक शिष्ट मूल्यों का आचरण एवं व्यवहार, आचरण सहित भौतिक मूल्यों का समर्पण अर्पण उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो वाहन पूर्वक स्थापित मूल्यों का निर्वाह शिष्टता पूर्वक शिष्ट मूल्यों का आचरण एवं व्यवहार तथा आचरण सहित भौतिक मूल्यों का अर्पण समर्पण उपयोगी सिद्ध हुआ है, यही स्वतंत्रता का मूल रूप है। तो स्वतंत्रता का मूल रूप क्या है? जब स्थापित मूल्यों का निर्वाह हो, शिष्ट मूल्य के रूप में व्यवहार हो और भौतिक मूल्यों का अर्पण समर्पण हो। भौतिक मूल्यों का अर्पण समर्पण किस रूप से है? तो उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनशीलता के रूप में अर्पण समर्पण अखंड समाज तक बना रहता है। इसी को कह रहे हैं कि यहाँ ये होने से इसकी निरंतरता यदि पहचानने में आती है मानव की पांचवें स्थिति में, तभी मानव में स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता का मूल रूप है। स्वत्व निर्वाह से स्वतंत्रता प्रयोजन और अधिकार उपलब्धि से प्रमाणित है। तो स्वत्व जो है, स्वत्व कब है? जब आप संबंध का निर्वाह करते हैं। स्वतंत्रता कब है? जब आप प्रयोजन के अर्थ में संपूर्ण क्रियाकलाप करते हैं। अधिकार कब है? जब आप आवश्यकता से अधिक उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो आवश्यकता से अधिक के रूप में भौतिक उपलब्धि है उस पर अधिकार होता है। और फिर इसीलिए फिर बाबा जी ने यहां पर और व्याख्या की जो हम लोगों ने कल सुनी थी कि मानव का अधिकार भौतिकता में, मानव का अधिकार भौतिकता यानी उत्पादन और व्यवस्था में, अधिकार और स्वतंत्रता बौद्धिकता में, अधिकार स्वतंत्रता और स्वत्व आध्यात्म में चरितार्थ हुआ है। फिर इसी को ये जो तीन बातें लिखी हैं यही जो है व्यवहारात्मक जन समाधानात्मक भौतिकवाद और अनुभवात्मक आध्यात्मवाद है जो धर्म नीति और राजनीति को स्पष्ट करता है। यही इसी की व्याख्या हमको आगे के सारे अध्यायों में देखने को मिलेगी जब हम लोग अखंड समाज का भी अध्ययन करेंगे अध्याय 9 में, तब भी इसकी और विस्तार से व्याख्या हमको पढ़ने को मिलेगी, समझने का अवसर मिलेगा। फिर इसके बाद इसी अध्याय में कहा गया जागृत मानव का व्यवहार ही व्यवस्था संस्कृति सभ्यता विधि को प्रकट करता है। तो जागृत मानव के व्यवहार में ही व्यवस्था संस्कृति सभ्यता और विधि प्रकट होती है। दूसरे अर्थों में हम लोग का जैसा अभ्यास है सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था को प्रकट करता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। शायद इसमें कोई इस क्रम को स्पष्ट करने में भी बाबा जी का कोई प्रयोजन होगा। तो जागृत मानव का व्यवहार ही व्यवस्था संस्कृति सभ्यता और विधि, तो जिसको हम लोग संस्कृति कह रहे हैं वो शिक्षा संस्कार है, जिसको हम लोग संबंध कह रहे हैं वो जो मान, जिसको सभ्यता कह रहे हैं, सभ्यता का मतलब है संबंधों में कर्तव्य दायित्व को वहन करना और संबंधों का निर्वाह करना, उसके रूप में जो है सभ्यता है। इसके बाद लिखा है कि अतः व्यवहार के बिना मानव जीवन का कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता है। तो कोई कहे कि हम तो अकेले रहेंगे, है ना, हमको तो किसी के साथ कोई व्यवहार का निर्वाह नहीं करना है, तो कह रहे हैं कि उसमें मानव जीवन का कोई कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता है। व्यवहार के बिना मानव जीवन का कोई कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता, मानव जीवन का कार्यक्रम सिद्ध नहीं। ऐसा पहले भी ये कहा कि अकेले में से मानव नहीं है, अकेले में से के लिए मानव साबित परिभाषित नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता। फिर ये कहा कि संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का आधार मानवीयता है, क्योंकि मानवीयता से ही सामाजिकता स्थापित सिद्ध है। तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, संस्कृति सभ्यता विधि और व्यवस्था का आधार मानवीयता है, मानवीयता से सामाजिकता स्थापित सिद्ध है। मानवीयता के बिना सामाजिकता नहीं है। सामाजिकता का मतलब है व्यक्ति परिवार समाज की एक सूत्रता। मानवीयता का मतलब है मूल्य चरित नैतिकता, है ना। तो मूल्य चरित नैतिकता और व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र में मूल्य चरित नैतिकता की निरंतरता को पहचान पाना, उसी को हम लोग सामाजिकता कह रहे हैं। उसी सामाजिकता में ही संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था स्पष्ट होती।
या ये कह सकते हैं संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था ही मानवीयता का आधार है। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था के मूल में जो है मूल्य चरित्र नैतिकता है, ऐसा भी। फिर आगे इसमें एक और बात आई, स्थापित मूल्यों में से के लिए स्वस्थ व्यवस्था है, क्योंकि स्थापित मूल्य की अनिवार्यता सर्वदा सबके लिए समान है, इसलिए स्थापित मूल्य ही विधि है। तो विधि के रूप में किसको पहचाना गया, ऊपर जो कहा ना सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था, तो विधि क्या है, स्थापित मूल्य ही विधि। स्थापित मूल्यों का निर्वाह आचरण पूर्वक जो स्वयं में संस्कृति व सभ्यता है, तो जिसको हम कह रहे थे कि जो आचरण मूल्यों का निर्वाह आचरण पूर्वक जो होता है उसी को हम लोग संस्कृति और सभ्यता के रूप में कहते हैं। फिर सातवें अध्याय में कहा स्थापित मूल्यों की अनिवार्यता सर्वदा सबके लिए समान है। स्थापित मूल्य तो नौ है, वो सभी को पता ही है, कृतज्ञता गौरव श्रद्धा प्रेम विश्वास वात्सल्य ममता सम्मान स्नेह आदि है। फिर ये कह रहे हैं कि नौ जो सामाजिक मूल्य हैं या स्थापित मूल्य हैं, मानवीयता सहित मानव आचरण का आधार है, यानी इन मूल्यों के बिना जो है मानव में मानवीयता का आचरण स्पष्ट नहीं होता है। मानवीयता नहीं होगी तो फिर सामाजिकता नहीं आएगी। फिर कह रहे हैं इसमें विश्वास जो है वो साम मूल्य है, वो सभी में पाया जाता है, और प्रेम जो है पूर्ण मूल्य है। इसके बाद एक जगह फिर बाबा जी ने यह भी कहा है कि बाकी जो आठ मूल हैं वो प्रेम में से के लिए ही है ना। तो मूल रूप में विश्वास और प्रेम ये दो ही मूल हैं, और यदि वैसे देखने जाएं तो एक ही मूल है विश्वास, है ना, क्योंकि सह अस्तित्व में ही अनन्यता का अनुभव होता है। सह अस्तित्व में जो अनुभव है उसी का नाम विश्वास है। तो मूल रूप में तो एक ही मूल है जिसको हम लोग कह रहे हैं सह अस्तित्व। सह अस्तित्व में जो विश्वास है वो सामान्यतः सबके अंदर पाया जाता है, और इसके बाद जो क्रमशः आठ मूल हैं वो प्रेम में से के लिए हैं, अल्टीमेटली जो पूर्ण मूल है वो प्रेम है, ऐसा ऐसा स्पष्ट किया गया। फिर ये भी कहा कि व्यवहार निर्वाह काल में स्थापित मूल्यों के साथ आचरण प्रक्रिया रहती है जो शिष्ट मूल्यों के रूप में रहती है, और शिष्टता पूर्वक स्थापित मूल्य निर्वाह के बिना मानव में अखंडता और उसकी अक्षुण्यता संभव नहीं है। तो शिष्टता पूर्वक स्थापित मूल्य निर्वाह, तो निर्वाह तो स्थापित मूल्यों का होता है लेकिन वो शिष्ट मूल्यों के निर्वाह से होता है। तो जो शिष्ट मूल्य, जैसे विश्वास का निर्वाह किसी के साथ करना है तो विश्वास का निर्वाह कैसे होगा, तो सौजन्यता पूर्वक होगा। सौजन्यता पूर्वक होने का मतलब क्या है, जब संबंध में उपयोग पूरकता सहयोगिता सहभागिता सहकारिता है ना सौजन्यता के रूप में होगी। तो जब हम सहयोगी सहयोगिता सहभागिता सहकारिता पूरकता सुहृदयता को अभ्यास करते है ना, तभी हम ये कहेंगे कि हम स्थापित मूल विश्वास का अभ्यास कर निर्वाह कर। तो इसलिए जो शिष्ट मूल्यों के अभ्यास पूर्वक स्थापित मूल्यों के निर्वाह के बिना मानव में अखंडता और उसकी अक्षुण्णता संभव नहीं है। तो सामाजिक स्थापित मूल्य शिष्टता के साथ व्यवहारिक सुगमता के रूप में है जो बौद्धिक समाधान है। तो बौद्धिक समाधान का उत्तर का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि क्या क्यों कैसे का उत्तर मिल जाना। तो बौद्धिक समाधान जो है जब व्यवहार निर्वाह की न्यायपूर्ण व्यवहार के निर्वाह की निरंतरता को मानव प्राप्त कर लेता है उसका नाम भी बौद्धिक समाधान है। और ये कैसे होता है, तो सामाजिक स्थापित मूल्य शिष्टता के साथ व्यवहारिक सुगमता के रूप में है ना जीने में स्पष्ट होते हैं। फिर इसी में आगे कहा गया प्रत्येक मानव जन्म से ही न्याय का याचक है, यानी ऐसा नहीं है कि न्याय जो है वो कोई मानव की अवधारणा है, जन्म से ही मानव में न्याय का न्याय के याचक के रूप में पहचान होती है। यही यही यानी न्याय नीति त्रय की समन्वयता की एक सूत्रता का भी कारण है। ये जो न्याय है उसी से नीति त्रय यानी जिसको हम लोग सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक है ना ये नीति के रूप में पहचानते, उनकी जो समन्वयता है उसका भी कारण न्याय ही है।
अर्थनीति, धर्म नीति, राजनीति, इस तरीके मानव की परस्परता में आश्वस्त और विश्वस्त होने का आधार भी न्याय ही है। तो यहाँ न्याय के महत्व को बताया, पहली बात ये कहा कि ऐसा नहीं है कि न्याय जो है कोई एक अवधारणा है, किसी ने कोई फिलोसॉफिकली कोई एक फ्रेमवर्क बना लिया विचार के रूप में, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक मानव में जन्म से ही न्याय है, न्याय के याचक रूप में जो है मानव का होना, जन्म से ही उसमें न्याय का याचक जो है वो प्रमाणित होता है। फिर ये कहा कि उसके जीने में नीति त्रय के रूप में जो एक सूत्रता है उसका आधार भी न्याय ही है। फिर ये कहा कि जो मानव की परस्परता है, मानव की परस्परता कहाँ है, तो परिवार, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरा, तो इन पांचों स्थितियों में मानव की परस्परता है। तो मानव की परस्परता में भी आश्वस्त और विश्वस्त होने का आधार न्याय ही है। जैसे एक परिवार दूसरे परिवार के साथ कैसे आश्वस्त होगा, विश्वस्त होगा, तो न्याय के आधार पर ही होगा, न्याय निर्वाह की निरंतरता के रूप में ही होगा। उसी तरीके से एक जिसको यदि हम 10 सोपानी स्थिति में देखें तो परिवार समूह, ग्राम समूह के साथ कैसे आश्वस्त और विश्वस्त होगा, तो न्याय की निरंतरता के रूप में, न्याय के निर्वाह के रूप में, परस्पर पूरकता के रूप में जो न्याय है उस रूप में ही आश्वस्त और विश्वस्त होने का आधार न्याय ही है, ऐसा होता है। फिर आगे ये कहा गया कि वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता ही न्याय है। अभी यहाँ व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की जगह इनको सामूहिकता में देखा गया, तो वैयक्तिक जीवन, इंडिविजुअल लाइफ जिसको कहते हैं, फैमिली लाइफ है ना, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ है ना, राष्ट्रीय जीवन, नेशनल लाइफ और इंटरनेशनल लाइफ है ना, तो यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और इन सब की परिभाषाएं जो है मध्यम दर्शन में अलग है। अभी जिसको हम लोग राष्ट्र कह रहे हैं उसको तो समुदाय कह रहे हैं, और जिसको हम लोग अभी अंतर्राष्ट्र कह रहे हैं वो एक्चुअली समुदायों के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है, उस रूप में अंतर्राष्ट्र है। कुछ लोग उसको मैत्री नाम देते हैं, मैत्री होती नहीं है, हम आपस में नहीं लड़ेंगे, इसकी सहमति होती बस है ना, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग, कुछ लोग मिलके दूसरे लोगों के साथ लड़ेंगे या हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, इस रूप में इंटरनेशनल लाइफ को जो है वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और कही जा रही है। तो वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता ही न्याय है। तो न्याय का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि एक संबंध में जी लिए हो गया न्याय है ना, इसकी एक सूत्रता बनी रहे है ना, इन पांचों स्तर पर एक सूत्रता बनी रहे वही न्याय है, और यही सार्वभौम कामना भी है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये किसी को बाध्य किया जा रहा है कि नहीं आपको ऐसे ही जीना होगा, वो कह रहे हैं ये सार्वभौम कामना है। तो व्यक्ति के आचरण में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में भी है। फिर कह रहे हैं कि अखंड समाज परंपरा में स्थापित मूल्यों के निर्वाह में ही शिष्टताएं अर्पित हैं। तो अखंड समाज परंपरा में स्थापित मूल्यों के निर्वाह में ही शिष्टताएं जो है वो समर्पित हैं। तो अखंड समाज परंपरा का मतलब क्या है, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक है ना, जिसको हम लोग 10 सोपानी व्यवस्था कहते हैं, उसमें स्थापित मूल्यों के निर्वाह है। तो मैंने कहा कि जो स्थापित मूल्यों का निर्वाह कैसे होता है, शिष्टता पूर्वक होता है, ऐसी बाबा जी ने ऊपर अभी मैंने इसको पढ़ के उसकी व्याख्या की। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं स्थापित मूल्यों के निर्वाह में ही शिष्टताएं समर्पित होती हैं। और ये भी कहा लास्ट है ना 10 मिनट, तो फिर ये कहा गया कि यही अखंडता एवं अक्षुण्णता का मूल तथ्य है, इसके ही अनुप्राणित जीवन, किससे अनुप्राणित जीवन, न्याय से है ना, किससे अनुप्राणित जीवन, तो सामाजिकता से, किससे अनुप्राणित जीवन, तो जिसको कह रहे हैं स्थापित मूल्यों से अनुप्राणित जीवन, नित्य कार्यक्रम, उत्सव, समृद्धि, समाधान, सफलता, स्थिरता,
शांति संतोष और सुख का अनुभव करता है, यही मानव, यही कामना मानव में अनंत काल से है। तो जैसा मैंने शुरू भी किया था अपने बात को, कि ये जो अभ्यास दर्शन है, ये मूल रूप से मानव के चार आयाम, जीने के चार आयाम, जिसको हम लोग अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय कह रहे हैं, और पांच स्थितियां, यानी जीने की पांच स्थिति, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरा, वो इसकी अविभाज्यता को, इसकी अखंडता को, इसकी सामरस्यता को, इसकी एक सूत्रता को और इसकी अक्षुण्यता को स्पष्ट करता है। तो यही अभ्यास दर्शन की विशेषता है। फिर इसको यदि हम लोग समझने जाते हैं तो हमको सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था की एक सूत्रता भी है ना समझ में आती है, जागृति और उसकी निरंतरता के रूप में अक्षुण्णता को भी हम लोग पहचान सकते हैं, जो अखंड समाज और सामाजिकता, उसकी निरंतरता और उसमें मानवीय आचरण की निरंतरता को हम लोग पहचान सकते हैं, और इन सबको एक सूत्रित अक्षुण्य सामरस रखने वाली जो वस्तु है वो नियम त्रय है, नीति त्रय है, कार्यक्रम त्रय है, विधि त्रय है, अभ्यास त्रय है। तो इनको भी अभ्यास दर्शन में स्पष्ट किया गया है। जैसे हम लोग जिनको नियम कह रहे हैं वो बौद्धिक नियम, सामाजिक और प्राकृतिक नियम है, और बौद्धिक, सामाजिक, प्राकृतिक नियमों की भी अविभाज्यता है ना। जैसे जो बौद्धिक नियम है वो सामाजिक नियम में है, और जो सामाजिक बौद्धिक नियम है वो प्राकृतिक नियम है। जैसे अनुभव जो है वो विचार में अभिव्यक्त होता है, और जो विचार है वो व्यवहार में, और व्यवहार व्यवसाय में यानी व्यवस्था में अभिव्यक्त होता है या सूत्रित होता है, एक सूत्रित होता है। इस तरीके से अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय की एक सूत्रता को, उसकी अखंडता को हम लोग अभ्यास दर्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। और ऐसा हम क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारी चिरावांछा है, चिराकांक्षा है। क्या चिराकांक्षा है? अखंड समाज और सामाजिकता की निरंतरता के रूप में जीने की, है ना। तो ये जो अखंड समाज और सामाजिकता की निरंतरता को प्राप्त करने के लिए अभ्यास दर्शन जो है एक प्रकार की उपासना है ना, एक प्रकार की साधना है। तो उस साधना को बाबा जी ने व्यक्त किया है, और इस साधना पूर्वक हम सभी मानव जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो सकते हैं। मानव में चार आयाम व न्याय, धर्म, सत्य की, मानव में चार आयाम व न्याय, धर्म, सत्य की स्थिति वर्तक कहा गया है। ये सभी सर्व मानव की चार के रूप में दिखता है। इसको और स्पष्ट करें तो देखिए, मानव में जो चार आयाम है जिसको हम लोग अनुभव कह रहे हैं, अनुभव में सत्य के रूप में स्थिति बनता है। सत्य क्या है? तो सह अस्तित्व ही परम सत्य है, ऐसा बोला गया। फिर इसके बाद दूसरा जो आयाम है, यानी अनुभव जब विचार में अभिव्यक्त होता है, अनुभव जब विचार में अभिव्यक्त होता है, उस स्थिति में धर्म, जिसको हम लोग धर्म कह रहे हैं, वो समाधान के रूप में स्पष्ट है। धर्म को विचार की स्थिति वत्ता के रूप में पहचाना गया। जब ये विचार की स्थिति वत्ता यानी सर्वतोमुखी समाधान व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में स्थापित हो जाता है, उसी को धर्म की स्थिति वत्ता के रूप में पहचानते हैं। इसी प्रकार से न्याय, तो संबंधों में जो जिसको हम कह रहे हैं कि सभी मानव संबंधों में, चाहे वो परिवार में, जिनको हम लोग सातों संबंध कहते हैं, तो सातों संबंध में जो निर्वाह करने वाली जो वस्तु है, या अध्ययन करने वाली वस्तु है, या अभ्यास करने वाली वस्तु है, वो न्याय के रूप में स्थितिवत्ता ही है। तो इसलिए व्यवहार आयाम में न्याय को स्थितिवत्ता के रूप में पहचानते हैं। इसके बाद नियम है ना, तो नियम को हम लोग भौतिक आयाम में, या जिसको हम लोग व्यवसाय आयाम कह रहे हैं, उसमें नियम की स्थिति वत्ता, क्योंकि सभी प्रकार का जो उत्पादन है वो नियम पूर्ण उत्पादन ही होता है, नियम के विपरीत कोई उत्पादन नहीं होता है।
फिर इसीलिए बाबा जी ने ये भी कहा है कि नियम ही न्याय है, न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही सह अस्तित्व है और सह अस्तित्व ही नियम है। तो इस रूप में ये आपस में एक दूसरे के साथ एक सूत्रित है, अभिवाच्य है ना, इस रूप में समझा जा सकता है। फिर और क्या है? बस एक प्रश्न और है। बहुत अच्छा समझा। हाँ, सत्य प्रकाश भारत जी का एक प्रश्न है कि बहुत अच्छा समझाया, पर अब बात जीने की, आज की व्यवस्था के रहते मानव इसको कैसे जिएगा? आज की व्यवस्था मानव नहीं जी सकता है, इससे सीधा सीधा इसका होता है। तो अभी क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि जो सह अस्तित्व है उसका अध्ययन और अभ्यास किया जाए। किया जाए अध्ययन अभ्यास पूर्वक जो है, जो मानवीयतापूर्ण मानव है उनका बहुलीकरण किया जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, तभी जीने का हो सकता है। अकेले जीने से तो कुछ भी साबित नहीं होता। अभ्यास दर्शन को पढ़ने में स्पष्ट होता है कि जीना तो पांचवें स्थिति में रहता है। तो आप किसी भी एक स्थिति की को छोड़ के जो है आप सोचें कि हम व्यक्ति के रूप में जी लेंगे, संभव ही नहीं है। उसमें जीना नियम न्याय धर्म सत्य के साथ स्पष्ट ही नहीं होता है ना। इसीलिए हमको क्या करना होगा? तो हमको सह अस्तित्व का अध्ययन करना होगा और सह अस्तित्व का अभ्यास करना होगा। यही साधना है। ऐसा करके ऐसे जो अध्ययन अभ्यास से संपन्न व्यक्ति ही करना पड़ेगा, है ना। यदि ऐसा जीने में हम सुखी होते हैं तो बाकी लोग स्वाभाविक रूप से ऐसा जीने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। बाकी और कोई विधि मुझे तो समझ में नहीं आई। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद।